नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। बीते 14 सालों से बेजान दिख रही कांग्रेस में कमलनाथ के अध्यक्ष बनते ही जान आ गई है। खाली रहने वाला प्रदेश कार्यालय अब नेताओं से गुलजार है और उनके खासा जोश देखा जा रहा है। कमलनाथ की टीम की घोषणा भले ही कुछ दिन बाद होगी, लेकिन टीम कमलनाथ ने PCC का मोर्चा संभाल लिया है। अरुण यादव के प्रदेश अध्यक्ष रहते अमूमन खाली रहने वाला प्रदेश कार्यालय नेताओं से भरा दिखाई दे रहा है। कमलनाथ ने अध्यक्ष बनते ही 5 प्रमुख पदों पर अलग अलग गुट के नेताओं की नियुक्ति कर अलाक मान समेत जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि आगे बढ़ने वाले पदों में सभी गुटों के नेताओं को सम्मान दिया जाएगा। अगर बात करें 5 नियुक्तियों की, तो उसमें उपाध्यक्ष चंद्रभास शेखर, कमलनाथ मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल कमलनाथ और दिग्विजय कार्यालय प्रबंधन, सुरेश पचौरी मीडिया समन्वयक, नरेंद्र सलूजा कमलनाथ और कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल दिग्विजय समर्थक माने जाते हैं। वहीं पूजा पाठ कर विधि विधान से PCC चीफ का पदभार ग्रहण करने के बाद कमलनाथ ने भी साफ कर दिया कि उनकी टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और अब उनकी मीडिया टीम उनसे सीधे कोऑर्डिनेट करेगी। मैं हर कांग्रेस जन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कुर्सी कमलनाथ की नहीं है, ये कुर्सी अध्यक्ष पद की हर कांग्रेस जन की, मध्य प्रदेश में हर कांग्रेस परिवार के सदस्य की है। तो ये कुर्सी तभी शोभा देगी जब हर कांग्रेस जन इसे माने कि ये कुर्सी उनकी कुर्सी है। मैं तो केवल उनका नुमाइंदा हूँ। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।